जल संसाधन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है। थाना प्रभारी संतोष दूधी के अनुसार आरोपी ने युवकों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया था, जिसकी जांच की जा रही है। दरअसल भवरकुआ थाना पर कुछ युवकों ने जल संसाधन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोहित बैरागी नाम युवक को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी संतोष दूधी के अनुसार पकड़ाए आरोपी ने युवक को विश्वास में लेने के लिए उन्हें भोपाल भी लेकर गया। इसके साथ ही आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र भी युवकों को दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी का 5 दिन का रिमांड लिया है। आरोपी ने 40 युवकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। बोरका थाना पुलिस धोखाधड़ी के संबंध में आरोपी से पूछताछ कर रही है। कल एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें मंत्री महोदय का नाम लेकर धोखाधड़ी की गई, तो क्या अपडेट है सर? कल कुछ बेरोजगार विद्यार्थी आए थे, जिन्होंने कहा कि हम रोजगार की तलाश में इधर उधर चर्चा कर रहे थे, तो राहुल बैरागी नाम का एक व्यक्ति है, उसने उनको बताया कि वो जल संसाधन विभाग में किसी पद पर है और वो उनकी नौकरी लगवा सकता है। उस पर भरोसा करके करीब 12-13 लड़कों ने उसको अपना आवेदन पत्र दिया और रोहित बैरागी ने फर्जी नियुक्ति आदेश टाइप करके उनको दे दिया गया। नियुक्ति आदेश मिलने के बाद इसने उनको आश्वासन दिया कि 10-15 दिन के अंदर ट्रेनिंग होगी और फिर आपको प्लेसमेंट मिलेगा। एक 15 दिन बाद ये लोग संबंधित कार्यालय पहुँचे तो मालूम चला कि इस तरह कोई आदेश वहाँ से नहीं निकला है। इसके बाद इन्होंने जल संसाधन मंत्री कार्यालय में जाकर पता किया तो वहाँ से भी जानकारी इनको लगी कि इस तरह के कोई आदेश विभाग में जारी नहीं हुए हैं, वो ये फर्जी है। तो उन लोगों द्वारा जो शिकायत की गई है उसके आधार पर हमने कल घेराबंदी करके रोहित बैरागी को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की। उसने 40 लोगों से इस तरह के आवेदन पत्र लिए हैं और उन लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया। कितने कितने रुपए लिए इसने? इसमें किसी से इसने 1.5 लाख रुपए लिए हैं, किसी से 2 लाख रुपए लिए हैं और लगभग 2 लाख रुपए में इसने तय किया है इस तरह का ये सिलसिला। सर, ये भोपाल भी ले गया था इन युवकों को कि भोपाल ले चलता हूँ आपको और वहाँ मिलवा देता हूँ, उस तरह की बात भी सामने आई थी? हाँ, ये बात भी जानकारी आई है अनुसंधान के दौरान कि ये कुछ लड़कों को भोपाल वल्लभ भवन के आसपास ले गया था और वहाँ बाहर इन लोगों को खड़ा किया और ये अंदर गया था वल्लभ भवन में और अंदर वल्लभ भवन में जाकर किसी से मिला नहीं, घूम कर आ गया और इसने बताया कि तुम्हारा काम हो गया है। तो उस कारण से जो लोग गए थे साथ उनको और ज़्यादा इस पर यकीन हुआ कि हमारा काम करवा रहा है, लेकिन ये सब इसके झांसे देने के इसी तरह के तरीके हैं। और भी जानकारी मिली है कि ये अपनी गाड़ी है इनोवा, उसमें गनमैन रखता है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से, तो वो भी सिर्फ प्रदर्शन और अपना झांकी जमाने के लिए इस तरह के काम करता है। सर, इसके कोई और साथी भी सामने आया है? कोई अन्य लोग भी साथ में इसके काम करते थे? अभी इन्वेस्टिगेशन में भी जानकारी लगी है कि कोई देवास तरफ के भी कुछ लड़के इसके साथ इस काम में शामिल थे, तो अभी उनके भी नाम पते हम ज्ञात करके तलाश करके उनकी तरफ। क्या इसका PR लेके कोई जानकारी हासिल करी जाएगी? हाँ, इसका अभी 5 दिन के लिए हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ भी इसको संपर्क है